नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और जैसे कि आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि इंजीनियरिंग कोर्स स्ट्रक्चर जो कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर रन हो रहा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रदान करें, इसके लिए रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन मैं उनसे माफी चाहता हूँ कि मुझे वीडियो बनाने में देर हो गई, लेकिन चलिए फिर भी सादर है आपके लिए ये वीडियो। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत और देखते हैं कि इंजीनियरिंग का कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है। 2019 से जो नया कोर्स आया है, चॉइस बेस्ड जो क्रेडिट सिस्टम आई है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, कैसा एग्जाम पैटर्न होगा और कैसा होगा ग्रेड सिस्टम, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो में शुरुआत। तो क्या है नए कोर्स स्ट्रक्चर में, तो आपको पता ही होगा 4 साल का 8 सेमेस्टर का कोर्स है आपका, उसमें ही आपको टोटल 170 क्रेडिट आपको अर्न करने होंगे आपकी डिग्री पाने के लिए। तो देखेंगे आप जो जनरली हम फोकस करेंगे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग पे, तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की थी ये रिक्वेस्ट, तो उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, देखेंगे कि दोनों सेमेस्टर में कितने क्रेडिट्स है और उसे क्या मार्किंग सिस्टम होगी। तो जनरली आपको इस साल से आपने ये किया भी होगा, कुछ स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में अपने इंडक्शन प्रोग्राम आपको इंट्रोड्यूस किया था, आपको 2 हफ्ते के पहले सेमेस्टर में आपको आपने ये किया है, और अगर ये स्टूडेंट्स अगर वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आपको ये करना होगा 2 हफ्ते का इंडक्शन प्रोग्राम, और दूसरे सेमेस्टर में आपको 1 हफ्ता उसके लिए देना पड़ेगा। तो मतलब अगर आप अगले सेमेस्टर में जाओगे तो आपको 1 हफ्ते का इंडक्शन प्रोग्राम होगा और ये कंपलसरी है। उसके बाद प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक नया सब्जेक्ट नहीं कहेंगे लेकिन एक नया टास्क आपके लिए उन्होंने दिया है, 5 से 6 स्टूडेंट्स का ग्रुप करेंगे, ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के सेकंड सेम में आपको 2-2 क्रेडिट्स का ये टास्क होगा, जिसमें आपको टर्म वर्क और प्रैक्टिकल पे आपको ये 2-2 क्रेडिट मिलेंगे। उसके बाद लैब वर्क होगा, सेमिनार, प्रोजेक्ट वर्क, और जैसे जैसे आपकी इंजीनियरिंग आगे बढ़ेगी तो आप इंटर्नशिप और बाकी के आपको टास्क में से और इस प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। तो चलिए देखते हैं कि कोर्स का क्रेडिट स्ट्रक्चर कैसा है और ब्रीफ में देखेंगे, ज्यादा उस पर टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जनरली ये है उनका कोर्स स्ट्रक्चर, सेमेस्टर वाइज दिया उन्होंने, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आपको 22-22 क्रेडिट हासिल करने हैं, उसमें थ्योरी के लिए 17 और लैब और प्रैक्टिकल ओवरऑल के लिए आपको 5 क्रेडिट है। उसी प्रकार सेकंड ईयर में भी आपको 22-22, थर्ड ईयर में 21-21 और फाइनल ईयर में 20-20, ऐसे टोटल 170 क्रेडिट आपको अर्न करने हैं। उसके साथ आपको कुछ मैंडेटरी कोर्स है जो आपको भी करना है, मतलब मैंडेटरी सब्जेक्ट है जो भी आपको देना है, लेकिन वो नॉन क्रेडिट बेसिस पे होंगे, वो भी आपको हर सेमेस्टर में आपको उसे देना है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, 3 वीक का आपका जो है इंडक्शन प्रोग्राम, जो 2 वीक आपने कंप्लीट कर लिए फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर करोगे, और सेकंड सेम में आपको फिर से उसे 1 हफ्ता देना है। आगे जाएंगे तो देखेंगे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट टाइम सेमेस्टर का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। चलो शुरुआत कर देते हैं कि पहले जो पार्ट है ये यहाँ पे आपके टीचिंग स्कीम होगी, यहाँ पे पर वीक में हम कितने घंटे आपको देना है वो, दूसरा है कि ये सेक्शन है कि आपके मार्क्स कितने होंगे और आपके कितने क्रेडिट आपको उसके बेसिस पर मिलेंगे। तो एमओन में आपको हर हफ्ते में 3 थ्योरी की और 1 ट्यूटोरियल का होगा होना चाहिए आपका क्लास। उसी प्रकार इन सेम 30 और 70 का जो पैटर्न है वो सभी को लागू है, 70-30 का, उसी प्रकार से टर्म वर्क के लिए 25, टोटल 125 मार्क्स का आपका स्कीम होगा, उसमें से थ्योरी के लिए 3 और ट्यूटोरियल के 1 क्रेडिट डिवाइडेड किया है। उसी प्रकार फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो अगर फर्स्ट में आपने केमिस्ट्री लिया या फिर सेकंड में आप फिजिक्स या फिर जैसे अल्टीमेटली करोगे आप, उसी प्रकार से दोनों को इसमें शामिल कर दिया, एक कोई भी आपको एक सेमेस्टर में इसमें से एक कोर्स आपको करना है। अगर आपने अभी फर्स्ट में फिजिक्स किया तो अगले सेमेस्टर में आपको केमिस्ट्री करना है, उनको भी आपको 4 थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल के सेशन आपको पर वीक डाले है, 70-30 का और +25 का आपका ये मार्किंग स्कीम है, और उसी प्रकार 4 थ्योरी के लिए और 1 प्रैक्टिकल के लिए आपको क्रेडिट वहां पे अर्न करना होगा। उसी प्रकार मैकेनिकल के लिए 3 और 2 का 3 थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल के सेशन, और उसी प्रकार 30-70 का सेम पैटर्न है, 25 प्रैक्टिकल के लिए 125 का ये टोटल होगा आपका। उसी प्रकार आपको थ्योरी के लिए 3 और प्रैक्टिकल के लिए 1 क्रेडिट आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जब आप डिवाइड किया है तो उसी सेम प्रकार है, 3 और 2 का पैटर्न,
तीन थ्योरी और दो प्रैक्टिकल के आपके सेशन हर हफ्ते में होंगे। 70 और 30 का पैटर्न है, इन सेम आपका 30 और एंड सेम आपका 70 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, ऐसे टोटल 125 मार्क्स होंगे। उसमें थ्योरी के लिए आपको 3 क्रेडिट दिए गए और 1 क्रेडिट आप अर्न करोगे प्रैक्टिकल के थ्रू, मतलब ये 25 मार्क्स में जो है आपका 1 क्रेडिट आपको वहां से अर्न, टोटल 4 क्रेडिट्स आप वहां पे अर्न करोगे। उसी प्रकार आपका पीपीएस और ईएम उसी में भी ऐसा ही है, 3+2 का पैटर्न है, 3 थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल के आपके सेशन होंगे हर हफ्ते। 30-70 का ही पैटर्न है, उसी प्रकार का पैटर्न है, 125 आपको भी उसी प्रकार का क्रेडिट भी डिस्ट्रीब्यूशन किया है, 3+1 टोटल 4 क्रेडिट आप वहां पे अर्न करोगे। फर्स्ट सेमी आपका वर्कशॉप है, वहां पे आपको प्रैक्टिकल्स होंगे हर हफ्ते में 2 और आपका प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन होगा 25 मार्क्स का, उसमें आप 1 क्रेडिट अर्न कर पाओगे। तो ऐसे टोटल 22 क्रेडिट का आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर होगा। उसी के साथ आपको ऑडिट कोर्स भी करना होगा, वो भी हफ्ते में 2 लेक्चर्स आपके थ्योरी के होंगे और लेकिन उसमें कोई क्रेडिट आपको अर्न नहीं होगा। साथ साथ में देखेंगे कि आपको सेकंड सेमेस्टर का स्ट्रक्चर कैसा हुआ, तो वहां पे M2 को 1 क्रेडिट ज्यादा दिया है, 5 टोटल क्रेडिट का ये कोर्स होगा। उसी प्रकार फिजिक्स केमिस्ट्री सेम रहेगा पिछली बार की तरह और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक भी सेम रहेगा पिछली बार की तरह, 4-4, 5-4 क्रेडिट का है वो प्रो, और पीपीएस और ईएम भी 4 क्रेडिट का है। इसमें यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्राफिक इस सेकंड सेम में आपको देना होगा, उसमें आपको 50 मार्क का जो एंड सेम का होगा उसमें 1 क्रेडिट और आपको प्रैक्टिकल तरीका 1 क्रेडिट, ऐसे 2 क्रेडिट वहां पे भी आपको मिल जाएंगे और पीबीएस में आपको 2 क्रेडिट, ऐसे टोटल 22 क्रेडिट यहाँ पे भी डिवाइड किए गए हुए। तो टोटल फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग आपका होगा 44 क्रेडिट का। और चलिए थोड़े से कुछ पॉइंट पे हम ध्यान देंगे। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक का जो, जैसे कि हमने देखा कि 2 क्रेडिट का है जो वो कोर्स, वहां पे आपको 1 क्रेडिट आपको एंड सेम एग्जाम में और 1 क्रेडिट आपको जो प्रैक्टिकल होगा उसमें, ऐसे 2 क्रेडिट आप वहां से हासिल करोगे। वर्कशॉप का भी 1 क्रेडिट आपको प्रैक्टिकल एग्जाम पर ही मिलेगा, इंटरनल असेसमेंट पे ही। और उसी प्रकार पीबीएल के जो 2 क्रेडिट है वो भी आपको टर्म वर्क और प्रैक्टिकल के एग्जाम के द्वारा ही मिलेंगे। ऑडिट कोर्स 1 और 2 अनिवार्य है आपके लिए, उसको आपको देना ही है। इसके लिए ग्रेड आपको कॉलेज लेवल पर मिलेंगे, लेकिन वो ग्रेड पॉइंट जो मिलेंगे आपके ग्रेड, वो ग्रेड आपको ग्रेड पॉइंट या सीजीपीए कैलकुलेट करते समय उसे ऐड नहीं किया जाएगा, उसे ग्राह्य नहीं किया जाएगा, उसको इसमें मार्किंग सिस्टम में पकड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों एग्जाम पैटर्न देखेंगे कि जैसे कि आपको पता है 2 फेज में एग्जाम, फेज 1 और फेज 2 में एग्जाम होगा। फेज 1 को हम इन सेम बोलते हैं, फेज 2 को एंड सेम बोलते हैं। फेज 1 30 मार्क्स का इन सेम और फेज 2 70 मार्क्स का एंड सेम होता है। उसमें यूनिट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो फेज 1 आपने ऑलरेडी दिया होगा, यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड पे हो, और फेज 2 का एग्जामिनेशन ओनली यूनिट 3 से लेकर 6 यूनिट तक होगा। उसमें वेटेज भी दिया है उन्होंने मार्क्स, आपने देखा कि जो हमने इनसेम थी वो पहले 2 यूनिट्स पे थी, तो 2 यूनिट्स पे होगी तो उसमें 50-50 मार्क्स का वेटेज है दोनों भी यूनिट्स को। लेकिन अगर हम एंड सेम देखेंगे तो उसमें थर्ड यूनिट के लिए आपको 18 मार्क का वेटेज है, फोर्थ यूनिट को 17, उसी प्रकार फिफ्थ यूनिट को 18 और सिक्स यूनिट को आपको 17 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। इनसेम में 2 और एंड सेम में 4 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर होगा, हर एक क्वेश्चन को आपको एक और एक ऑप्शनल क्वेश्चन दिया जाएगा, सेम यूनिट से दिया जाएगा और सेम मार्क का भी वो होगा, तो आसान है पास होना, उसमें कोई दिक्कत का काम नहीं है। पासिंग और एटिकेटी के नियम हम अगर देखेंगे तो टर्म और प्रैक्टिकल और जितने भी आपके हेड्स होंगे एग्जाम के, उसमें आपको हर हेड में आपको कम से कम 40 मार्क्स लाने होंगे। तो आपको हर एक एग्जाम पैटर्न जो टर्म वर्क होगा, ओरल होगा, प्रैक्टिकल होगा, तो उसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स वहां पे लाने ही है। थ्योरी सब्जेक्ट की अगर आप बात करें तो पास होने के लिए आपको एंड सेम में अलग से आपको 40% यानी 28 मार्क्स की जरूरत होगी पास होने के लिए, और दोनों मिला के मतलब इन सेम और एंड सेम मिला के भी आपको 40% मार्क्स लाने होंगे। फेल हुए स्टूडेंट्स इन सेम के मार्क्स जो आपको आए थे पिछले, वो वही रखकर एंड सेम का एग्जाम किसी भी सेमिस्टर एग्जाम के साथ दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको दोनों भी एग्जाम देने, मतलब इन सेम भी देनी है और एंड सेम भी देनी है, तो आपको उसी, अगर आपका इवन सेमिस्टर का है तो आपको उसी इवन सेमिस्टर के साथ एग्जाम के साथ देना पड़ेगा, ऑड सेम का है तो फिर ऑड सेम के साथ ही देना पड़ेगा, किसी भी सेमिस्टर के एग्जाम के साथ उसे नहीं दे पाओगे। अगले साल में जाने के लिए एटीकेटी का क्या नियम है, देखेंगे कि आपको मिनिमम 50% क्रेडिट पिछले साल के और उसके पिछले साल के सारे क्रेडिट काम आने होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने, अगर अभी फर्स्ट ईयर में हो और सेकंड ईयर में जाने के लिए सोच रहे हो कि कितना मुझे कम से कम क्रेडिट काम आने होंगे अगले साल जाने के लिए, तो कम से कम एफ के आपको 50% यानी 22 क्रेडिट आपको कमाने होंगे सेकंड ईयर में एटीकेटी के साथ जाने के लिए। उसी प्रकार अगर टी में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उनको टी में जाने के लिए
एससी के मिनिमम 22 क्रेडिट, 50% क्रेडिट और एफए के सारे क्रेडिट का माने होंगे, तभी वो टी में एटीकेटी के साथ जाएंगे। उसी प्रकार बीई का भी है, पिछले सारे एससी एफए एससी के सारे क्रेडिट आपको कमाने होंगे और टी के आपके कम से कम 50% जितने जो होंगे 50% क्रेडिट्स आपको कमाने होंगे। मार्क्स और ग्रेड पॉइंट के देखेंगे तो ग्रेड पॉइंट अगर 10 है तो वो 90 to 100 के बीच में होगा, 9 ग्रेड पॉइंट है तो 80 और 89 के बीच में होगा, 8 70 and 79, 7 60 69, 6 50 to 59, 4 5 40 to 49 और 0 यानी बिलो 40% मार्क्स आपको मिले हैं और आप फेल हो गए। अगर आपके मार्कशीट में एफएक्स आया है कहीं पे लिखा हो तो आपको आपको डिटेन हो गया, आपकी प्रेजेंटी नहीं हुई या फिर किसी और रीजन से आपने कोर्स को अपने आगे आपको एग्जाम के लिए डिटेन किया था, एग्जाम आपको नहीं दी गई थी और आपको रिपीट कोर्स करना होगा। उसी प्रकार आईसी अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ है तो इनकम्प्लीट कोर्स, आपको अब्सेंट थे एग्जाम के लिए और आपको फिर से एग्जाम देना है, इसी का मतलब होगा ऑडिट कोर्स कंप्लीटेड। एसीएन का मतलब होगा ऑडिट कोर्स नॉट कंप्लीटेड, तो आपको ऑडिट कोर्स करना जरूरी, उसको प्रेजेंटी लगाना जरूरी है। तो एसजीपी और सीजीपी के बारे में देखेंगे तो हर सेमेस्टर के बाद आपको फिर सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज में आपको मार्क्स मिलेगी और कोर्स खत्म होने के बाद को सीजीपी के आधार पर डिग्री प्रदान की जाएगी। तो सिंपल सा उसका फॉर्मूला है, मुझे अगर गलत है तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि कोर्स क्रेडिट जितने कोर्स होंगे उनके कोर्स क्रेडिट इंटू मिले हुए ग्रेड पॉइंट्स डिवाइडेड बाय कुल क्रेडिट्स, तो आपका फिर एसजीपी आएगा और उसी आधार पर आपका सीजीपीए भी निकाला जाएगा। अगर आपका सीजीपीए 7.75 and 7.75 and मोर होगा तो फिर आपको फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन से डिग्री अवार्ड की जाएगी। 6.75 से लेकर 7.75 के बीच में अगर होगा तो आपको फर्स्ट क्लास से डिग्री अवार्ड की जाएगी और 6.25 और 6.75 के अगर बीच में आपका सीजीपी आता है तो आपको हायर सेकंड क्लास के साथ डिग्री दी जाएगी। उसी प्रकार अगर 5.5 से ज्यादा लेकिन 6.25 से कम अगर आपका स्कोर आता है सीजीपी तो फिर आपको सेकंड क्लास के साथ डिग्री अवार्ड की जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस सिस्टम में लेकर, ये वीडियो सिर्फ पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं, जो वहां पे एफिलेटेड है, जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे उनके लिए ये था। अगर आपके मन में कोई सवाल है इसके रिगार्डिंग, कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं फिर से आपसे एक माफी मांगूंगा कि वीडियो लेट डालने के लिए। तो चलिए रुकते हैं यहाँ पे, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।